चुनाव के नतीजों से पहले नेता अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हैं, लेकिन नतीजों के बाद उनके सुर बदल जाते हैं। जो जीतता है वो दम भरता है और जो बेहाल होता है वो चुप्पी साधता है। अब हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिसके बाद किसी में जीत का जोश है तो कोई हार में बेहोश है। आइए आपको दिखाते हैं कि कहां किसने क्या कहा। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज जैसे जैसे ईवीएम खुल रही थी, वैसे वैसे नेताओं की जुबां भी खुल रही थी। जोश उन नेताओं में था जिन्हें जनादेश से मजबूती मिल रही थी। महाराष्ट्र में सुबह जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, आंकड़े कांग्रेस एनसीपी की मजबूती में तब्दील हुए, वैसे ही उसके नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। शरद पवार ने कहा कि लोगों को सत्ता का गुरूर पसंद नहीं आता। वहीं पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आंकड़े कांग्रेस की मजबूती के हैं, लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। जहां कांग्रेस एनसीपी गठबंधन गुणा भाग के बजाय एकता का संदेश दे रहा है, वहीं नतीजों के बाद शिवसेना बीजेपी में तो दो फाड़ हो गया है। बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बराबरी की ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बड़े नेता मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये अहम सवाल है, लेकिन 50-50 फॉर्मूले पर शिवसेना नहीं झुकेगी। नतीजों से पहले बीजेपी शिवसेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी के आंकड़े 100 के करीब आए, वैसे ही उसके तेवर नरम हो गए। इसलिए शिवसेना को नाराज करने के बजाय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थिति अब भी पुरानी, शिवसेना से जो तय हुआ है वही होगा। महाराष्ट्र में जहां सहयोगी दल में तकरार है, तो वहीं विपक्षी हरियाणा में बीजेपी के हाल पर चुटकी ले रहे हैं। पार्टी के बहुमत के आंकड़े पर ना पहुंचने पर आरजेडी ने चुटकी ली। पार्टी ने कहा कि धनतेरस पर अमित शाह विधायक खरीदेंगे। वहीं जीत के करीब कांग्रेस के नेता तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा ने सत्ता में आने की हुंकार भरी है। इसके साथ ही हरियाणा में किंग मेकर बनकर उभर रही जेजेपी भी सत्ता की चाबी अपने पास होने की ताल ठोक रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सोच समझ कर किसी भी दल का साथ देंगे। अब हरियाणा में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यूपी में तो ईवीएम के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। जहां गंगोह विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी की गंगोह विधानसभा सीट के नतीजों में धांधली करने की कोशिश की, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार शुरुआत में आगे थे। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर हर जगह बढ़ा है। नतीजों के बाद अब बयानबाजी का दौर तेज है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल तो खुद की मजबूती की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।